नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है मुनमुन, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। जैसा कि हम सब जानते हैं, चैत्र मास की नवरात्रि इस बुधवार 22 मार्च से शुरू हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको एक बात और बता दूँ जो आप में से किसी को पता ना हो, इस बार चैत्र नवरात्रि पर 110 साल बाद संयोग बना है कि माँ दुर्गा इस बार नौके पर सवार होकर आएंगे, तो उनकी स्वागत के लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ती है। जैसा हम सब जानते हैं, माता रानी के 9 दिन के 9 रंग होते हैं, तो उन्हीं रंगों में से आज एक रंग मैंने चॉइस किया है और माँ दुर्गा जिनके घर में विग्रह है उनके लिए कैसे हम पोशाक बना सकते हैं घर पर बैठकर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुंदर। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर बैठे महंगी से महंगी ड्रेस खुद बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया हुआ है और ये है हमारी माता रानी का ड्रेस। तो इसी का मेजरमेंट रख कर हम इस कपड़े को कट करेंगे। तो सबसे पहले माता रानी का जो आपके पास ड्रेस है उसको लेना है, और जो भी तरह का आप फैब्रिक ले रहे हैं, अगर आपके पास कपड़े का टुकड़ा रखा है या ब्लाउज पीस रखा है, आप उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो मार्केट में आप पाव मीटर भी कपड़ा खरीद के ला सकते हैं, टुकड़ों में मिलता है। जहाँ पर थान से कपड़े काट के देते हैं वो लोग भी इस तरीके के फैब्रिक बहुत ही कम प्राइस में आपको दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने मेजरमेंट निकाल लिया और इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेस। लेस आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, बस हमको डेकोरेशन करना है। तो नीचे मैंने फ्रिल वाली लेस लगाई है और उसके ऊपर एक गोटे वाली पतली वाली लेस। उसके बाद हम इसके दोनों साइड को सिलाई करेंगे। उसके लिए मैंने 1 इंच के जितना चौड़ाई में एक लेस ली है और इसके दोनों साइड से कुछ इस प्रकार हम इसको सिल के तैयार कर लेंगे, ताकि ये हमारी जो कटी हुई हिस्सा है ताकि धागे ना निकले, इसी वजह से हमको इसको अटैच करना है कुछ इस तरीके से। अब हम बनाएंगे इसकी कमर पट्टी। उसी लेस को लेंगे और बस हमको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमारा लहंगा बना है माता रानी का, इसके ऊपर हमको इस तरीके से करके चले जाना है। बस हमारा जो माता रानी का लहंगा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, बाज़ार का लहंगा ये ऐसा है और घर का लहंगा देखिए कितना सुंदर है। तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकती हैं माता रानी का ये घाघरा। अब बनाते हैं हम चुनरी। तो चुनरी के लिए मैंने लिया है पीले कलर का फैब्रिक। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, नीचे से जो झालर निकली हुई है उसका भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बस कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसको लेस लगा के चारों तरफ से बस रेडी कर लूँगी और माता रानी का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।